खरगोन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतगणना का सारणीकरण पूरा करने का काम गुरुवार को किया गया। पंच, सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य पदों पर निर्वाचित प्रत्याशियों की अधिकृत घोषणा कर प्रमाण पत्र बांटे गए। प्रमाण पत्र मिलने की खुशी प्रत्याशियों के चेहरे पर साफ झलक रही थी। सदस्य चुनाव जीतने पर रेवाराम पाटीदार ने जिला पंचायत में कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष बनने का दावा भी ठोक दिया। पाटीदार ने बताया, यह जनता के भरोसे की जीत है। जिला पंचायत में कांग्रेस समर्थित 16 प्रत्याशी जीते हैं। उल्लेखनीय है कि जिला पंचायत में महिला सामान्य सीट आरक्षित है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। ये जीत हुई है कांग्रेस की, क्या कहना चाहेंगे? दो कांग्रेस की जीत, विकास की जीत, जनता की जीत है और आगे भी जिला पंचायत भी बनाएंगे। तो जिला पंचायत में बीजेपी का दावा है कि उनके ज्यादा लोग आए 26 में। नहीं, कांग्रेस के ज्यादा है। कितने लोग आए? 16 कांग्रेस के आएगा। तो आपको क्या लगता है, बन जाएगी जिला? बन जाएगी जिला पंचायत। जैसे खरगोन जनपद के दोनों लोग आप जीते हो, तो क्या मानते हैं आप, ये जीत किसकी जीत मानते हैं? कांग्रेस की जीत है, विकास की जीत है। क्या नाम है आपका? रेवाराम पाटीदार। क्या कहना चाहेंगे, जैसे खरगोन जनपद में कांग्रेस ने वापसी की है त्रिस्तरीय पंचायत में, अभी जो खरगोन ब्लॉक में एक नंबर और दो नंबर, यहाँ जो जिला पंचायत के चुनाव है इसमें हमारे एक नंबर से रेवाराम जी पाटीदार और दो से किरण लखन पाटीदार में विजय घोषित हुए। ये जनता की जीत है और विकास की जीत है। हम आगे भी क्षेत्र के विकास के लिए संघर्ष करेंगे और काम करेंगे, और जिला पंचायत भी हमारी बनने जा रही है। 16 हमारे कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जीते हैं। अच्छा अच्छा, जनपद की क्या स्थिति? जनपद 12-19 में से। तो क्या लग रहा है, खरगोन जनपद बन जाए? कांग्रेस बना लेगी। खरगोन जनपद के कितने वार्ड और कितनी पंचायतों का सारणीकरण किया गया? जनपद पंचायत खरगोन के कुल 19 वार्ड थे, क्योंकि 19 वार्डों के सारणीकरण का कार्य पूर्ण हो गया है। अब उसको ऑनलाइन IMS में फीडिंग की जा रही है, जिसके द्वारा इनके प्रमाण पत्र जनरेट होंगे। इसके साथ ही साथ खरगोन नगर पंचायत में कुल 43 पंचायतें थीं, जिसमें से दो निर्विरोध थी, और 41 सरपंचों का भी सारणीकरण का कार्य पूर्ण हो गया, उनके भी प्रमाण पत्र जनरेट किए जा रहे हैं। जिला पंचायत के भी दो? हाँ, जिला पंचायत के दो वार्ड थे खरगोन जनपद में, उनके भी सारणीकरण का कार्य पूर्ण हो गया है, जिसकी विवरणी बनाकर हम कलेक्ट्रेट में भेजेंगे, जहाँ कल उनकी घोषणा होगी। क्या नाम? तहसीलदार योगन सिंह। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।